नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि राग यमन में हम ताने कैसे बजा सकते हैं, कैसे बजाते हैं। और उससे पहले विशेष सूचना ये है कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अगर आप हमसे पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उससे भी ज़रूरी विशेष सूचना ये है कि अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है, फ्री में क्लास लेनी है, तो हमारी नीचे एप्लीकेशन आ गई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और कुछ टाइम के बाद उसमें हमारी फ्री क्लासेस चलेंगी। तो आप चाहें तो फ्री में हमारी क्लासें वहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ पर हम एक ही विषय को एक एक घंटे तक समझाते हैं। यहाँ पर 10 मिनट में समझाना पड़ता है लेकिन वहाँ पर काफ़ी समय हमें मिलता है। तो वहाँ पर आप हमारी क्लासेस फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप हमारे कोर्स भी लेना चाहें तो वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, आलाप और ताने क्या होती हैं, आप पहले आज हम तानों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आलाप और तान में कोई अंतर नहीं होता है। आलाप में बस इतना फ़र्क है कि आलाप को हम स्लो में बजाते हैं और उसी को दोगुन में बजा दिया तो वही तान बन जाता है। बस यही आप मेन लेकर के चलिए। आलाप का मतलब होता है कि स्लो इम्प्रोवाइजेशन। जब हम राग का धीरे से विस्तार करते हैं तो आलाप बन जाता है। और आलाप भी दो प्रकार का होता है, एक मुक्त आलाप होता है और एक तालबद्ध आलाप होता है। मुक्त आलाप वो होता है जो हम राग को स्टार्टिंग करते समय स्लो में बिना ताल के हम जो आलाप बजाते हैं वो मुक्त आलाप होता है। और दूसरा आलाप होता है बंदिश के साथ, जब हम तालबद्ध आलाप बजाते हैं, ताल के साथ आलाप बजाते हैं, तो वो आलाप कहलाता है। और आलाप की ही स्पीड को अगर दोगुना कर लिया तो वही तान बन जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, देखिए राग यमन में नी नी द प म प ग म नी रे ग रे नी रे सा, ये हो गया आपका 8 मात्रा का आलाप। अब इसी को अगर हमने फास्ट में बजा दिया तो नीरे गरे नीरे सा 4 मात्रा में ही आ गया। इसके साथ हमको 4 मात्रा कुछ और मिलाना पड़ेगा और फिर ये हमारा 8 मात्रा का तान शुरू हो जाएगा, तान बन जाएगा। तो नी नी द प म प ग म नीरे गरे नीरे सा प म गरे नीरे सा, ऐसे करके हम दुगुन में अगर बजाएंगे स्वरों को तो वही हमारे ताने बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू कीजिए और ये जो ताने हैं वो 8 मात्रा के ताने हैं, उसके बाद हम 16 मात्रा के ताने आपको बताएंगे। तो 9वीं मात्रा से बंदिश शुरू होती है राग यमन की, हमने आपको समझाई हुई है बहुत पहले। नी नी द प म प ग म, तो 9 से 12 तक आपका बंदिश हो गई आधी लाइन, और आधी लाइन जो बची हुई है 1 से 8 मात्रा तक, वहाँ तक आप 8 मात्रा के ताने बनाएंगे। तो 1 मात्रा में 2 स्वर आएंगे, तो सबसे पहले तान लिखिए कैसी है। नी नी द प म प ग म ग म प म ग म प म ग म प म गरे सा गरे सा डैश गरे सा ग म प म ग म प म ग म प म गरे सा। तो कैसी बजेगी देखिए। इसमें ग म प म ग म प म ग म प म गरे सा 1 मात्रा से 8 मात्रा तक हमारी एक तान बन गई। ठीक है जी, रिदम का बिल्कुल बराबर ध्यान रखना है। पहले आप स्लो टेम्पो से भी शुरू कर सकते हैं, 100-120 से भी शुरू कर सकते हैं, और जाने के लिए आप 160-170 भी जा सकते हैं, जितना आपकी दुगुन में ताने आराम से बच जाएं, ये ध्यान रखना है। मतलब 170 BPM पर अगर आप बजा रहे हैं तो इसको दुगुन में दोगुना स्पीड से आप ताने बजाएंगे तो 170 का 340 BPM तक आपकी सरगमें तैयार होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक ये हो गई, अब दूसरी तान लिखिए। दूसरी तान है प म ग म प म ग म प म ग म ग रे सा प म ग म प म ग म 4 मात्रा प म ग म ग रे सा आ सा और डैश तो 8 मात्रा प प म ग म प म ग म प म ग म ग रे सा। कैसे ये हो गई आपकी दूसरी तान। फिर नी नी द प म प ग म, तीसरी लिखिए ग म प ग म प ग म ग म प म ग रे सा ग म प ग म प ग म ग म प म ग रे सा। देखिए कैसा,
चौथी लिखिए, नी नी द प म प ग म नि रे ग म ध नि सा सा नि द प म ग रे सा। कैसा? नी रे ग म ध नि सा सा नि द प म ग रे सा। और देखिए स्लो टेम्पो से धीरे धीरे करके इसको फास्ट कीजिएगा, ठीक है। तान का मतलब ही होता है कि फास्ट इम्प्रोवाइजेशन, जल्दी जल्दी राग का विस्तार करना तान। अब इसमें एक और ऐड कर लीजिए, नी नी द प म प ग म ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि नी नी द प। देखिए नी नी द प म प ग म ग म ध नि नी नी द प म प ग म। गामा धनी सा गामा धनी सा गामा धनी, फिर नी नी द प। देखिए तबले पर, तो ये आपकी हो गई कुछ 8 मात्रा के ताने। तो अब आप 16 मात्रा के ताने बजाइए, 16 मात्रा के ताने प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? नी नी द प म प ग म प म ग रे नी रे सा पूरा बजाना है। तो नवी मात्रा से बंदिश शुरू है, तो घूम करके 8वीं मात्रा पर बंदिश की एक पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद नवी मात्रा से आपने ये तान शुरू करने कर देनी है। कौन सी? ग म प ग म प ग म ग म प ग म प ग म प म ग म प म ग म प म ग म ग रे सा। ये घूम करके जाएगी और कहाँ पर ख़त्म होगी? ठीक 8वीं मात्रा पर। तो देखिए, नी नी द प म प ग म प म ग रे नी रे सा ग म प ग म प ग म ग म प ग म प ग म प म ग म प म ग म प म ग म ग रे सा नी नी द प नी नी द प म प ग म प म ग रे नी रे सा। रही आपकी 16 मात्रा के तान। तो अब आप इन मात्राओं का, इन तानों का रियाज कीजिए, अभ्यास कीजिए, और अगर आप में से किसी को ये बांसुरियाँ चाहिए होंगी तो हमसे फिर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।